Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. वायु प्रदूषण के साथ अब ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने हवाई अड्डों के लिए कुछ खास दिशा निर्देश बनाए हैं जो पूरे देश में लागू होंगे, जिनके मुताबिक साल में 50,000 से ज्यादा विमानों की आवाजाही वाले एयरपोर्ट पर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे के बीच 75 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं हो सकता। ऐसे एयरपोर्ट पर रात के वक्त यानी रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच विमानों से होने वाला शोर 65 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी श्रेणी उन एयरपोर्ट की बनाई गई है जहां साल में विमानों की कुल आवाजाही 15,000 से 50,000 के बीच है। ऐसे एयरपोर्ट पर दिन के वक्त 65 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं हो सकता और इस श्रेणी के एयरपोर्ट पर रात के वक्त विमानों की आवाजाही से 60 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं हो सकता। उद्योगों के लिए ये नियम पहले से ही लागू थे, लेकिन अब एयरपोर्ट अब तक उद्योगों के दायरे से बाहर रखे जाते थे। हालांकि सेना के विमानों पर ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियम लागू नहीं हुए। मध्य प्रदेश के सागर में एक आदमी लोहे के कांटे के सहारे तालाब से एक बच्ची का शव निकालने लगा। वहां नहाने गई दो बहनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जिनके शवों को निकालने के लिए इलाके के लोगों ने एक रस्सी में कांटे को बांधकर पानी के अंदर डाला और फिर उसमें बच्ची के शव को फंसाकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद दूसरी बच्ची के शव को भी इसी तरह कांटे में फंसाकर बाहर निकाला गया। चश्मदीदों का दावा है कि तालाब में नहाने के दौरान छोटी बहन का पैर फिसल गया, जिसे बचाने के दौरान उसकी बड़ी बहन भी डूब गई। बच्चियों के डूबने की सूचना पर पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ करते दिखे। इसमें 7 अंक के निर्देशानुसार व्यक्ति के लिए जनहानि अगर RBC प्रावधानों के अंतर्गत आता है तो 4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद बच्चियों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया। यूपी के बरेली में 3 तलाक के लिए संघर्ष करने वाली महिला रजिया की मौत हो गई। आरोप है कि पहले रजिया के पति ने फोन पर उसे 3 तलाक दिया और उसके बाद उसे महीनों घर में कैद करके भूखा प्यासा रखा और उसे प्रताड़ित किया। जब इस बात का पता रजिया के परिवार वालों को चला तो उन लोगों ने उसे वहां से निकाला और अस्पताल भर्ती करवाया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया, जहाँ रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। नईम नाम का लड़का, उसने पहले भी एक शादी कर रखी थी और उस लड़की को भी ऐसे ही प्रताड़ित किया था और आज उसी बलि का शिकार रजिया भी हो गई। और रजिया का काफ़ी टाइम से इलाज भी चल रहा था, इसमें हम लोग काफ़ी टाइम से लगे थे और इलाज भी दोबारा इसको हॉस्पिटलाइज करवाया। इसको 1 महीना बंदी बना के घर पर रखा गया, भूखा प्यासा कमरे में रखा गया और फ़ोन पर इसको 3 तलाक दिया गया रजिया को। राजस्थान के जोधपुर में एक सड़क पर हो रहे विवाद के बीच कुछ लोग एक लड़के को पीटने लगे। आरोप है कि सड़क पर बाइक और ट्रक की मामूली टक्कर पर हुए विवाद में कुछ लोगों ने बाइक सवार लड़के की जाति पूछकर उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने बना लिया, जिसमें साफ दिखा कि एक ट्रक के पास खड़े एक लड़के की वहां खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मी से कुछ बहस हुई। इस बीच किसी ने उससे उसकी जाति पूछी और जाति बताने पर उसकी पिटाई कर दी गई। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी लड़के को पीटना शुरू कर दिया। हैरानी की बात ये दिखी कि इस दौरान पुलिसकर्मी ने किसी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। उसको बोला मेरे को गाली देने लगा तो मैंने एक हेलमेट मार दिए, फिर सब पब्लिक मिल के मेरे को मारने लगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए। इटली की राजधानी रोम में अभिनेता ऋतिक रोशन अपने बेटे के साथ एक सड़क पर स्कूटर चलाने लगे। वो इन दिनों अपने दोनों बेटों के साथ इटली में छुट्टियां मनाने पहुंचे जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिनमें ऋतिक अपने बेटे के साथ रोम की सड़कों पर स्कूटर चलाते दिखाई दिए। इस दौरान स्कूटर की पिछली सीट पर बैठे ऋतिक के बेटे ने सेल्फी स्टिक थाम रखी थी, जिससे वो स्कूटर राइड की तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहे थे। स्कूटर चला रहे ऋतिक अपने बेटे के साथ रोम के चौराहों और गलियों के चक्कर लगाते दिखाई दिए। रोम की गलियों में स्कूटर पर सैर करने से पहले ऋतिक अपने बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड में थे, जहां उन्होंने एल्प्स की पहाड़ियों पर चढ़ाई की। लेकिन इस मुश्किल चढ़ाई से पहले ऋतिक ने अपने दोनों बेटों को कुछ जरूरी सावधानियां बताई और पर्वतारोहण को पिकनिक का जरूरी हिस्सा बताया। So the mission is for us to be able to climb. Yes. Ho 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 ho. Uh-oh. इसके बाद पहले ऋतिक ने हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट के साथ पहाड़ी पर चढ़ाई की और फिर बेटे रिदान ने रस्सी की मदद से चढ़ाई शुरू की। नीचे से ऋतिक और उनका बेटा रिहान लगातार रिदान का हौसला बढ़ा रहे थे। हालांकि बीच में एक बार रिदान के हाथ से पहाड़ी की पकड़ भी छूट गई, लेकिन बाद में वो पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गया और इसके बाद रिदान धीरे धीरे रस्सी के सहारे पहाड़ी से नीचे उतर आया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक स्कूल के अंदर से एक आदमी कोबरा सांप को पकड़कर बाहर लाने लगा। वहां एक क्लासरूम के अंदर अचानक सांप देखे जाने के बाद दहशत फैल गई।
जिसके बाद टीचर के साथ सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर निकलकर एक कोने में खड़े हो गए। इसके बाद सांप पकड़ने के लिए वन विभाग के एक आदमी को बुलाया गया, जिसने एक स्टूल के नीचे छिपे सांप को पकड़ने के लिए पहले स्टूल को हटाया और फिर अपने पैर से कुछ आवाज की। आवाज सुनते ही सांप तेजी से भागने लगा, लेकिन सांप पकड़ने वाले आदमी ने उसे पूंछ से बड़ी सावधानी से पकड़ लिया। इसके बाद सांप एक टेबल के नीचे छिपने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया और सांप पकड़ने वाला उसे पूंछ से पकड़कर बाहर ले आया। इस दौरान वहां बच्चों के साथ खड़े कुछ टीचर अपने मोबाइल फोन के कैमरे से इस घटना का वीडियो बनाते रहे। इसके बाद सांप को एक प्लास्टिक के डिब्बे में सावधानी से रखकर उसे बंद कर दिया गया। ईरान के एक रेस्टोरेंट में एक महिला वहां मौजूद लोगों के सामने डांस करने लगी। वो महिला ऐसा करके एक लड़की की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी, जिसे सोशल मीडिया पर अपने डांस पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद एक महिला ने एक रेस्टोरेंट में सबके सामने डांस किया। उसने ईरान के कानून के मुताबिक अपने सिर को भी नहीं ढका। उसकी ही तरह ईरान में बहुत सी महिलाओं ने डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। एक महिला ने एक पार्क में अकेले डांस किया तो मैसी एलिनजैद नाम की एक महिला ने एक पार्क में सबके सामने डांस किया। मैसी ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डालने के साथ ये ट्वीट भी किया कि मैंने तेहरान के एक सार्वजनिक पार्क में 19 साल की मैदह के समर्थन में डांस किया, जिसे डांस करने के लिए गिरफ्तार किया गया। और मैसी के डांस के बाद कुछ लोगों ने औरतों की आज़ादी के समर्थन में भाषण भी दिया, जो ईरान में औरतों पर इस्लामी कानून को सख्ती से लागू करने का विरोध कर रहे थे। ये विरोध तब शुरू हुआ जब ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक लड़की का बयान प्रसारित हुआ, जिसमें उसने इस्लामी कानून को तोड़ने का जुर्म कबूल कर लिया और ये माना कि उसने सोशल मीडिया पर अपने डांस पोस्ट किए। इसके बाद टेलीविजन पर उसके धुंधले चेहरे के साथ उसका बयान प्रसारित हुआ, जिसमें उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। जुर्म बुद्धन में वगैन इस वक्त सोशल मीडिया पर 19 साल की जिम्नास्ट मैदे के कई वीडियो मौजूद हैं, जिसमें उसने पश्चिमी और ईरानी धुनों पर डांस किया। इसके बाद ही उसे इस्लामी कानून को तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के दरभंगा में एक स्कूल में कुछ लोग वहां कुछ टीचर से लड़ाई करने लगे। स्कूल के अंदर टीचर पर वहां की छात्राओं ने अश्लील वीडियो दिखाने और छेड़खानी करने का आरोप लगाया, जिस पर वहां जमकर हंगामा हो गया। जबकि आरोपी टीचर के समर्थन में आए स्कूल के दूसरे टीचर भी लोगों से भिड़ गए और कुछ महिलाओं ने स्कूल के एक टीचर पर हमला कर दिया, जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। वहीं हंगामा कर रहे लोग कुछ टीचर के साथ हाथापाई पर उतर आए। लोगों की भीड़ ने स्कूल प्रबंधन से आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग की। उसको ऐसा सजा दिया जाए, कोई भी टीचर ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। वहीं लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोपी टीचर का बचाव करने का आरोप लगा दिया। इस तरह की कोई कंप्लेंट मेरे पास इसके पहले नहीं आया है। इस बीच स्कूल के सामने लोगों की भारी भीड़ जुट गई और वहां हो रहे हंगामे को देखकर स्कूल में मौजूद बच्चे भी डर गए, जिसके बाद पुलिस को वहां बुलाया गया। लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद भी वहां हंगामा और ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने पुलिस पर भी टीचर का साथ देने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद स्कूल के पास सड़क पर लोग इधर उधर भागते दिखे, जबकि कई पुलिस वाले हाथ में लाठियां लिए लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने छिपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी लाठियां मारकर भगाया। लोगों ने पुलिस पर स्कूल के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया कि जहां हम उसको माइनस कर लेंगे, जाइए आप लोग, उसको हम निकाल देंगे स्कूल से। इतने बोल के तो मैंने सबको अति कर दिया है। भीड़ को वहां से हटाने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को स्कूल से गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई, साथ ही मामले में सही कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, सजा दिलाएंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे कि इस तरह की घटना पुनः दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को भी हिरासत में लिया और स्कूल में फंसे बच्चों को बाहर निकाल कर स्कूल को सील कर दिया गया। रूस में खेला जा रहा फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अब आखिरी तीन मुकाबलों के बाद दुनिया को फुटबॉल का नया चैंपियन मिल जाएगा। इस वर्ल्ड कप की खास बात यह है कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमें यूरोप की हैं। इससे पहले 2006 में ऐसा मौका आया था कि जब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों ही टीमें यूरोप की थी। वर्ल्ड कप 2018 का पहला सेमीफाइनल आज रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फ्रांस और बेल्जियम के बीच में खेला जाना, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 11 जुलाई को मॉस्को में खेला जाएगा, जहां पर इंग्लैंड और क्रोएशिया की टीमें आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों के बीच तीसरे स्थान के लिए 14 जुलाई को भिड़ंत होगी और फीफा 2018 का फाइनल मुकाबला 15 जुलाई को मॉस्को में खेला जाएगा, जिसमें जीतने वाली टीम फुटबॉल की नई वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। पटना में एक शादी के मंडप से कुछ पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ कर ले जाने लगे। आरोप है कि वो पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाने की तैयारी में था।
लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने शादी के मंडप में पहुंचकर शादी को रुकवा दिया। पुलिस को वहां देखते ही दूल्हे के हाथ पांव फूल गए और वो जवाब देने से बचने लगा। इस दौरान पुलिस ने उसे अपने साथ चलने को कहा तो वो बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसके बाद उसकी एक नहीं चली और उसे पुलिस के साथ जाना पड़ा। पहली शादी आपकी नहीं हुई है? हुई है, डाइवोर्स हो गया है। अच्छा, उसके बाद किया है नहीं? दूसरी शादी डाइवोर्स की बात कर रहे हैं जी। मौके पर पहुंची पहली पत्नी के मायके वालों ने आरोपी दूल्हे पर धोखा देने का आरोप लगाया। तलाक देते तो हम लोग इतना जंजाल लेके नहीं आते, पुलिस तो दरोगा नहीं करती, तलाक देते तो खाते। शादी में अचानक हुए इस हंगामे से लड़की पक्ष के लोग भी सदमे में आ गए और शादी के लिए तैयार दुल्हन को वो अपने साथ कार में बिठाकर वहां से चले गए। भारत में ही बन रही धनुष तोप अब जल्द ही सेना को सौंपी जा सकती है। धनुष के सभी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं और आखिरी परीक्षण में भी देश में बनी धनुष तोप हर पैमाने पर खरी उतरी। परीक्षण के दौरान धनुष तोप से करीब 300 गोले दागे गए। ये तोप एक मिनट में 6 गोले दाग सकती है। दावा किया गया है कि परीक्षण के दौरान हर निशाना सटीक रहा। इस तोप की तुलना स्वीडन की बोफोर्स तोप से की जाती है, लेकिन धनुष न केवल बोफोर्स से सस्ती है बल्कि आधुनिक भी है। धनुष तोप की कीमत केवल 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है और दावा है कि ये तोप अपनी श्रेणी में दुनिया की हर तोप के मुकाबले काफी सस्ती है। अमेरिका की अल्ट्रा लाइट होवेजर तोप की कीमत 33 करोड़ रुपए है, तो इसी श्रेणी में दक्षिण कोरिया की K9 थंडर करीब 42 करोड़ रुपए की। माना जाता है कि भारतीय सेना को अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए कम से कम 400 धनुष तोपों की जरूरत है। यूपी के गाजीपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर अस्पताल का एक कर्मचारी स्ट्रेचर पर लेटे आदमी का इलाज करने लगा। आरोप है कि जख्मी आदमी का स्वास्थ्य केंद्र के सामने ही खुले मैदान में इलाज किया गया, जिससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक जख्मी आदमी स्ट्रेचर पर लेटा दिखा जिसके शरीर से खून बहता हुआ साफ दिखाई दिया। तभी वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारी उस जख्मी आदमी का इलाज करने लगा। हैरानी की बात यह है कि जब जख्मी आदमी को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा दिया गया था, फिर भी उसे अंदर ले जाने की बजाय खुले में उसका इलाज किया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यों की एक टीम बना दी। बताया जा रहा है कि आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था, लेकिन अचानक हादसे का शिकार हो गया जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। बिहार के नालंदा में एक महिला के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दो लोग एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते दिखे। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि महिला को उसके एक परिचित ने मिलने के लिए बुलाया था और जब वो वहां पहुंची तो वहां पर 3 लोग पहले से ही मौजूद थे जो उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे और उसका वीडियो बना लिया, फिर उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। लेकिन जब महिला ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन लोगों ने वीडियो वायरल कर मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित के परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया। राजस्थान के झुंझुनू में कुछ लोग एक महिला को पेड़ से बांधकर पीटने लगे। आरोप है कि जमीन विवाद में बड़े भाई के परिवार ने छोटे भाई की पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया और ये सब होता रहा पीड़ित महिला के मासूम बेटे के सामने, जो लगातार अपनी माँ को बचाने के लिए गुहार लगाता रहा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि महिला को जमीन पर गिराकर उसे एक लड़का और लड़की पीटने लगे। इस दौरान पीड़ित महिला ने एक औरत के बाल पकड़ लिए, जिसे छुड़ाने के लिए उस पर डंडे से हमला किया गया। इसी बीच महिला के पति के बड़े भाई ने भी उसकी पिटाई कर दी। ये सब उस वक्त हुआ जब महिला का पति किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था, तभी महिला को घर में अकेला पाकर उसके बड़े भाई ने हमला कर दिया, जिसमें उसका साथ उसके पूरे परिवार ने दिया। बड़े भाई की बेटी ने महिला का सिर पकड़कर उसे जोर जोर से जमीन पर पटका। इसके बाद महिला को रस्सी के सहारे एक पेड़ से बांधने की कोशिश की गई, जिसका विरोध करने पर उसे डंडे से पीटा गया। इस दौरान महिला को बचाने की कोशिश में उसके मासूम बेटे की भी पिटाई की गई और फिर महिला को पेड़ से बांधकर उसे जमकर पीटा गया। आरोप है कि केस दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। थाईलैंड के शियांग राय की एक गुफा में फंसे एक लड़के को बाहर निकालने के बाद बचाव दल के सदस्य उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ाने लगे। इस गुफा में 12 लड़के और उनके एक कोच 23 जून से फंसे थे, जिनमें 8 लड़कों को पिछले 48 घंटों में बाहर निकाल लिया गया।
जिनमें एक लड़के को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल भेजा गया, जबकि बाकी लड़कों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की मदद ली गई। बचाव अभियान में मिली सफलता के बाद नौसेना के एक अधिकारी ने वहां के गवर्नर से हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। प्रतिबंध का ระดับที่2กับที่3คือกู้ภัยและส่งกลับได้น้องๆได้หมู4ตัวगुफा में फंसे लड़कों को नौसेना के गोताखोरों ने करीब 10 किलोमीटर लंबी गुफा की संकरी सुरंग से एक एक कर बाहर निकाला। इस दौरान हर लड़के के साथ दो गोताखोर भी थे, जिनमें एक गोताखोर के पास दो सिलेंडर थे, जिनमें एक सिलेंडर से लड़के को ऑक्सीजन मिल रही थी, जबकि दूसरा गोताखोर भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उन्हें रास्ता दिखा रहा था। यही नहीं, किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए गुफा में जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए गए। गुफा में चार जगहों पर पानी भरा है, जहाँ से लड़के को रस्सी पकड़कर गुजरना पड़ा। जबकि इस दौरान गुफा के बाहर कई हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस को तैनात रखा गया। इसके साथ ही किसी भी इमरजेंसी के लिए पास के अस्पतालों में भी इलाज के लिए पूरा इंतजाम किया गया था। इस बीच थाईलैंड की नौसेना ने लड़कों को बाहर निकालने से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो जारी किया, जिसमें बचाव दल के सदस्य सुरंग को चौड़ा करने के लिए मशीन से पत्थर तोड़ते दिखे। इसके बाद एक गोताखोर सुरंग के अंदर जाने लगा। अधिकारियों ने दावा किया कि बचाव दल जल्द ही बाकी बचे लड़कों और उनके कोच को भी सुरक्षित बाहर निकाल देगा। बिहार के भागलपुर में एक मशीन एक टूटे हुए इमारत के मलबे को वहां से हटाने लगी। बताया जा रहा है कि मैरिज हॉल में रखे सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए, जिसके बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए मशीन से मलबा हटाया जाने लगा। जानकारी के मुताबिक मैरिज हॉल में शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियां चल रही थी, तभी वहां रखे गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट की वजह से मैरिज हॉल का एक हिस्सा और उससे लगा दूसरा मकान मलबे में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोग दब गए। हादसे में घायल हुए लोगों को पास के अस्पताल पहुँचाया गया। लड़का मिल के तो उठा के अपने कहां चार से पाँच आदमी को उठा के सब लोड करके टेम्पो में उसको भेज दिया। दावा किया गया कि मैरिज हॉल में एक गैस एजेंसी भी चलाई जा रही थी, जिसने लोगों की खतरे में डाल दी। वहीं हादसे के बाद शादी की खुशियां माता में बदल गईं। महाराष्ट्र विधानसभा पर नक्सली हमले का अलर्ट जारी किया गया है। स्पीकर ने मंत्री और विधायक को कुछ चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपने बंगले पर ही लोगों से मिलने के लिए कहा गया है। विधानसभा में विजिटर्स की एंट्री रोक दी गई है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बिहार के हाजीपुर में कुछ लोग दो लोगों को घेरकर पीटने लगे। आरोप है कि वहां चोरी करते समय दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा भड़क गया और दोनों आरोपियों की पिटाई कर दी गई। इस घटना का वीडियो उसी भीड़ में मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें दिखा कि दोनों आरोपी लोगों की भीड़ के बीच जमीन पर बैठे थे, जिन्हें एक आदमी हाथ में छड़ी लेकर पीट रहा था। इस दौरान एक आरोपी ने उठने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे धक्का देकर फिर नीचे बिठा दिया। इसके बाद वहाँ खड़े दूसरे आदमी ने भी छड़ी से आरोपी की पिटाई कर दी। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने भी इस पिटाई को रोकने की कोशिश नहीं की। लंबे समय से क्रिकेट से दूर चल रहे श्रीशांत एक जिम में कसरत करते नजर आए। उन्होंने कसरत करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें वो एक जिम के अंदर जमकर पसीना बहाते दिखे। 8, 9, 10, 11 इस वीडियो में उनकी बॉडी बिल्डिंग की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सभी को हैरान कर दिया। कहा जा रहा है कि श्रीशांत ने एक कन्नड़ फिल्म के लिए बॉडी बनाई है। श्रीशांत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी दाढ़ी और बाल बढ़े हुए दिखे। श्रीशांत की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ट्विटर पर उनके प्रशंसकों का जिक्र करते हुए क्रिकेटर हरभजन सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया। 2008 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के मैच के दौरान हरभजन ने श्रीशांत को थप्पड़ मार दिया था। हालांकि बाद में दोनों ने इस मसले को बातचीत से सुलझा लिया था। अब श्रीशांत की बॉडी देखकर उनके प्रशंसकों को उम्मीद है कि फिल्मी करियर के साथ ही श्रीशांत एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम में भी वापसी कर सकते हैं।